डिटर्मिनेंट है। कल अपन ने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को क्रैमर्स रूल से सॉल्व किया, मतलब मेथड ऑफ डिटर्मिनेंट से सॉल्व किया। आज अपन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को बाई मैट्रिक्स मेथड सॉल्व करेंगे। मैट्रिक्स की मेथड से अपन ने सॉल्व करना है, ठीक है। तो बिल्कुल पहली हेडिंग बिल्कुल सेम डाल लें, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मेथड ऑफ मैट्रिक्स या मैट्रिक्स मेथड। सो आवर नेक्स्ट हेडिंग इज सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स की मेथड से अपन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो पहली दो लाइनें बिल्कुल सेम है, हमने यहाँ पर सिस्टम कंसीडर किया है तीन लीनियर इक्वेशन का। तो ये हेडिंग को समझने के लिए लीनियर इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स की मेथड। तो फॉर दिस हियर वी कंसीडर a system of three linear equations और ये system अपन ने ले लिया a i x, जैसा कल आपको बताया था, b i y, जितने variable होंगे उतने equations आपने लेना है, c i z equals to d i, और यहां पर i का वैल्यू है 1, 2 और 3। तीन इक्वेशंस हैं तीन वेरिएबल में, क्योंकि हमेशा जो आपका मैट्रिक्स होना चाहिए वो स्क्वायर मैट्रिक्स बनना चाहिए, इसलिए जितने वेरिएबल होंगे उतनी इक्वेशन लेंगे। दो वेरिएबल होंगे तो दो इक्वेशन, तीन वेरिएबल होंगे तो तीन इक्वेशन। तो यहाँ पर हमने एक्स वाई जेड तीन वेरिएबल लिया है और इसलिए हमने आई का वैल्यू 1, 2, 3 तीन इक्वेशन लिए हैं। ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कल भी आपने लिया था और उसके नीचे आपने एक लाइन लिखी थी, अबव सिस्टम कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स इक्वल्स टू बी, वेयर ये कल आपने देखा ए जो होता है ए इज द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, एक्स के कोएफिशिएंट फर्स्ट कॉलम में आएंगे तो ए वन ए टू ए थ्री, वाई के कोएफिशिएंट सेकंड कॉलम में आते हैं बी वन बी टू बी थ्री, जेड के कोएफिशिएंट आएंगे सी वन सी टू सी थ्री। फिर आता है मैट्रिक्स एक्स जो कि वेरिएबल का मैट्रिक्स है, तीन वेरिएबल है एक्स वाई जेड, एक के नीचे एक मेंशन कर दीजिए, और लास्ट में है आपका मैट्रिक्स बी जो कि कांस्टेंट का मैट्रिक्स है जो कि आता है डी वन डी टू डी थ्री। तो ये 3x3 का हमने एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ले लिया, एक्स बराबर बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर ए क्या है बी क्या है और एक्स क्या है वो सब हमने मेंशन किया। कल भी यहां तक सेम प्रोसीजर था और इसके बाद से आपने कल जो पढ़ा था कि यदि हम मैट्रिक्स ए के डिटरमिनेंट का वैल्यू डेल्टा मान लेते हैं तो फिर हमने चार डिटरमिनेंट इंट्रोड्यूस करे थे, डेल्टा डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड, और उससे अपन ने एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल ली थी। एक्स था आपने लिखा डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा, वाई की वैल्यू लिखी थी डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा,
और जेड का वैल्यू डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा लिखा। तो यहां तक सेम था, यहां तक सेम था मतलब, अब यहां से थोड़ा चेंज हो गया था। इसके बाद डिटरमिनेंट की मेथड में हम सीधा एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाल लेते थे, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड करके। जब आपको मैट्रिक्स की मेथड से सॉल्व करना होगा तो यहां तक भी बिल्कुल सेम है। अब यहां से मैट्रिक्स की मेथड में केवल जो चेंजेस आता है वो केवल इतना है, नाउ आपने जो ए एक्स बराबर बी माना है, ये जो ए एक्स बराबर बी है इसको अब अपन लिख सकते हैं एक्स बराबर ए इनवर्स बी। और इस तरीके से क्योंकि हमको इसको सॉल्व करना है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है, सॉल्व करने का मतलब है हमको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने का मतलब है हमको कैपिटल एक्स फाइंड करना है। तो इसलिए हमने कैपिटल एक्स बराबर ए इनवर्स बी, इसलिए मैट्रिक्स की मेथड में क्या करना होता है, केवल अब ये जो मैट्रिक्स ये बनाया इस मैट्रिक्स का अपन इनवर्स निकालेंगे और इस इनवर्स को मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको एक कॉलम मैट्रिक्स मिलेगा जो कि हमको एक्स वाई जेड की वैल्यू दे देगा। तो मैट्रिक्स की मेथड में बस इतना सा करना है, जो ए एक्स बराबर बी आपने माना था उसको अपन लिख सकते हैं एक्स बराबर ए इनवर्स बी, और इसको जब अपन सॉल्व करेंगे सो वी गेट दी वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड एंड दिस इज दी सॉल्यूशन ऑफ अवर गिवन इक्वेशन। ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू मैं इसको और थोड़ा सा आपको क्लियर करूंगा, लेकिन पहले वो जो बात नोटेबल अपन ने डिटरमिनेंट में लिखी थी वो यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं अब आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो बस इतना सा लिखना है, डिटरमिनेंट में आप क्या लिखते थे, एक्स बराबर डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा, वाई बराबर डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा, जेड बराबर डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा, मैट्रिक्स में एक्स बराबर ए इनवर्स बी होता है। बस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालो और बी से मल्टीप्लाई कर दो, देन वी गेट अवर वेरिएबल एक्स वाई जेड। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि अगले पेज पर कर रहा हूँ। तो यहाँ तक पूरा डिटरमिनेंट जैसा था, बस इतनी सी बात हमने लगा दी तो ये मैट्रिक्स मेथड से डिटरमिनेंट सॉरी लीनियर इक्वेशन सॉल्व हो गया। अब जो बात नोटेबल है, मूविंग ऑन टू पेज नंबर 2, जहां पर अपन जिस पर मैक्सिमम टाइम्स ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं या कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछते हैं, वो बात अब हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। तो पेज नंबर 2 पर वही यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, न्यू सॉल्यूशन कब होगा और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस कब होगा, क्योंकि देयर आर ओनली 3 पॉसिबिलिटीज, या तो गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए, मतलब इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, और इन 3 के अलावा कोई अदर पॉसिबिलिटी नहीं होती, देयर आर ओनली 3 पॉसिबिलिटीज। क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग अननोन का वैल्यू आपसे पूछते हैं, अपन उस पर बेस भी क्वेश्चन करेंगे, लेकिन फिलहाल नोट में आपने लिखना है, फर्स्ट नोट हमारा ये है कि आप नोट नंबर फर्स्ट, तो आपने ये जो मैट्रिक्स ए है इस मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड किया, यदि डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज नॉट इक्वल टू 0 देन अबव सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस has unique solution. Unique solution का मतलब है आपको x, y और z की एक एक और केवल एक वैल्यू ऐसी मिलेगी जो पूरे सिस्टम को सेटिस्फाई करेगी, तो यूनिक सॉल्यूशन है। दूसरा केस है, यदि आपका मान लो डिटर्मिनेंट ऑफ a आपने मैट्रिक्स a निकाला और वो 0 आ गया, और साथ में मैट्रिक्स का एडजॉइंट इंटू मैट्रिक्स बी, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू मैट्रिक्स बी ये भी 0 आ गया, दोनों 0 आ गए, देन अबव सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन।
दिस इज दी कंडीशन, और ये आप डिटर्मिनेंट में कैसा पढ़ते थे, डेल्टा डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड सारी जीरो हो जाए, वो यहाँ पर ऐसा दिखेगा एट जॉइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल्स टू जीरो। एंड थर्ड एंड लास्ट पॉसिबिलिटी है, यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका जीरो हो जाए, थर्ड इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऑफ मैट्रिक्स इज जीरो एंड एडजॉइंट ऑफ ए इनटू मैट्रिक्स बी ये नॉट इक्वल टू जीरो आता है, देन अबव सिस्टम हैज नो सोल्यूशन। तो फिर सिस्टम के लिए कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं। तो तीन ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो सोल्यूशन यूनिक होगा, या इनफाइनाइटली मैनी होगा, या फिर नो सोल्यूशन होगा, इनके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है। देयर आर ओनली थ्री सोल्यूशन, थ्री पॉसिबिलिटीज, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो यही तीन कंडीशन अपन ने वहां भी पढ़ी थी, इसका आप बड़े इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना कि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, सबके लिए अलग अलग है। और बिल्कुल ऐसे ही डिटर्मिनेंट में पढ़ा था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट, मतलब यहाँ पर डेल्टा आपने लिखा था, डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो आएगा, तो डिटर्मिनेंट की मेथड में मतलब क्रैमर्स रूल में भी आपने लिखा था यूनिक सॉल्यूशन। फिर ये केस आपने वहां वैसा लिखा था, डेल्टा डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड सारी जीरो हो जाए तो फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ये जीरो हो और वहां पर एक आधी नॉट इक्वल टू जीरो आए तो नो सॉल्यूशन, यहाँ पर ये नॉट इक्वल टू जीरो आ जाए तो नो सॉल्यूशन। तो ये यूनिक सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन की चीज है। अब जो कंसेप्ट आपने पिछले पेज पर पढ़ा उसका यूटिलाइजेशन अपन एक क्वेश्चन में देख रहे हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछ सकते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाई मैट्रिक्स मैथड। ठीक है, सब्जेक्टिव तरीके से बता रहा हूँ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव में मैं यदि आपको तीन इक्वेशन दे दूं और आपसे पूछूं कि एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकालो इन तीन इक्वेशन से, तो अपन ये सब थोड़ी करते रहेंगे, जो ऑप्शन दिए हैं वो डाल डाल के देख लेंगे, जो सेटिस्फाई करेगा वो हमारा आंसर है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए, ये जो है सब्जेक्टिव में आपको जो मैथड लिख के आई है आपको उसी मैथड से प्रोसीड करना होगा, अदरवाइज पूरा काट पीट दिया जाएगा। ठीक है, सो इसलिए क्वेश्चन ये है कि सॉल्व फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाई मैट्रिक्स मेथड। एंड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन है 2x माइनस वाई प्लस 3z इक्वल्स टू जीरो, 2x माइनस वाई प्लस 3z इक्वल्स टू जीरो, 2x माइनस वाई प्लस 3z इक्वल्स टू जीरो। सेकेंड इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस z इक्वल्स टू 6, x प्लस वाई प्लस z इक्वल्स टू 6, एंड लास्ट है x माइनस वाई प्लस z इक्वल्स टू 2, x माइनस वाई प्लस z इक्वल्स टू। ठीक है, अब इसके आपको ऑप्शन दिए होंगे, चार ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन थर्ड, उसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू दी होंगी, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आएगा तो वो अपन यहाँ डाल डाल के देख लेंगे, जो सेटिस्फाई कर जाएगा वो आपका आंसर है। लेकिन जब सब्जेक्टिव एग्जाम में ये मेंशन कर दिया कि भाई आपको इसको इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स मेथड से या मैट्रिक्स की मेथड से सॉल्व करना है, तो फिर आप उसी मेथड से इसको सॉल्व करोगे। तो अगले पेज पर मैं इसका सॉल्यूशन आपको मैट्रिक्स की मेथड से करके दिखा रहा हूँ, फिर अपन चलेंगे आगे इसमें और। तो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 3, फर्स्ट यू टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। ठीक है, कोई डाउट जैसी बात तो है ही नहीं, सिंपल सी बातें अपन डिस्कस कर रहे हैं, जल्दी नोट कर लीजिए, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट और दो तीन बात मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा इसमें। सो नाउ मूविंग ऑन टू पेज नंबर 3,
अब देखिए ये है क्वेश्चन और इस सिस्टम को हम ए एक्स बराबर बी जैसा लिख सकते हैं, जिसमें हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है वो क्या हो जाएगा, तो सॉल्यूशन में मैट्रिक्स ए का जो वैल्यू है वो है 2-1-3, दूसरी रो में है 1-1-1 और तीसरी रो में है 1-1+1। ये मैट्रिक्स ए है और अब अपन इसका इन्वर्स निकाल लेते हैं। तो इन्वर्स के लिए अपन को तरीका पता है, तो देयरफॉर इन्वर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स ए इज क्या होगा, एडजॉइंट, डिटरमिनेंट की वैल्यू से डिवाइड भी करना होता है, एडजॉइंट लिखना होगा और फिर उसको डिटरमिनेंट से डिवाइड करना होगा। और एडजॉइंट क्या होता है, रो वाइज कोफैक्टर निकाल के कॉलम वाइज लिख दो बस, तो एडजॉइंट आ जाता है। तो 2 का कोफैक्टर निकालोगे तो 1+1 2 आएगा, फिर -1 का कोफैक्टर निकालेंगे तो 0 आएगा, फिर 3 का कोफैक्टर निकालेंगे तो -2 आएगा, फिर ये 1 का कोफैक्टर निकालोगे तो ये छोड़ देंगे और ये छोड़ देंगे 1 का कोफैक्टर, तो -1+3+2-2, फिर इस 1 का कोफैक्टर निकालेंगे तो ये आएगा 2-3-1 और फिर इस 1 का कोफैक्टर निकालेंगे तो -2+1 is -1, सो +1, इस 1 का कोफैक्टर निकालेंगे -1-3 is -4, चेक कर लेना आप ठीक है अपने लेवल पे, 2-3-1 प्लस का 1 हो जाएगा और लास्ट एलिमेंट का जो कोफैक्टर आएगा इट इज 2+1 3। तो दिस इज ए इनवर्स और अभी कंप्लीट ए इनवर्स नहीं आया, ये तो हमने केवल एडजॉइन निकाला है, 2-2-4, 0-1+1 और 2-1 3। अब क्या करेंगे, ये कोई रो लिखी है ये उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर लिखें और रो को कोफैक्टर से करस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो डिटरमिनेंट आता है, तो ये 2-2 या 4, 0 और -6, तो 4-6 is -2, तो इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू आती है -2, तो -2 से डिवाइड करेंगे, ये बन गया कंप्लीट इनवर्स, ये एडजॉइंट है और ये डिटरमिनेंट की वैल्यू से डिवाइड हो गया, दिस इज अवर ए इनवर्स ठीक है। और अब अपने पास जब ए इनवर्स आ गया तो अब अपन ने पढ़ा है देयरफॉर एक्स बराबर जो होता है वो ए इनवर्स इंटू बी होता है और ए इनवर्स आपने निकाला है, आप चाहो तो -1/2 को मल्टीप्लाई कर सकते हो हर एलिमेंट में या बाहर ही रहने दो, ये आ गया अपना ए इनवर्स 0-1+1-2+1+3 और ये है अपना मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स बी होगा 0-6-2, ये है मैट्रिक्स बी। और अब इसको केवल मल्टीप्लाई करना है तो आपको कैपिटल एक्स मिल जाएगा, कैपिटल एक्स क्या है, ये जो आपका एक्स वाई जेड वेरिएबल का वैल्यू होता है इसी को बोलते हैं कैपिटल एक्स ठीक है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करिए तो ये 6 है, बाहर -1/2 एज सच है और अब जब आप मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो ये 0, ये -12, ये +8, तो -4 आएगा, -8, -12, 0, -12 और -8, 0-6-2 ये सही है ना, 0-12 और -8, इसे गड़बड़ है, 2-2-4, ये राइट हैंड साइड का मैट्रिक्स बी में देखिए 0-6-2 ही दिया था, 0-6-2 ही तो है, हाँ एक मिनट, ओके एक करेक्शन है छोटा सा, हाँ आप चाहो तो ऐसे ही रख के सॉल्व कर लो, जो आएगा वो आपसे मैच करा लेते हैं। चलिए ठीक, करेक्शन ये था कि इस जगह पर 9 आपको दिया था क्वेश्चन में ठीक है, एक 9 कर लेते हैं हम यहाँ, बाकी कहीं पे फर्क नहीं आएगा, 9 करने से आंसर मैच कर जाएगा, क्योंकि आंसर मैच नहीं कर रहा था इसलिए मैं देखा, यहाँ पर आपको 9 दिया है तो इस पोजिशन पर 9 कर लीजिए, 9-6-2 है वो, 9-6-2
अब मल्टीप्लाई करो तो 18 फिर माइनस का 12 और फिर माइनस का 8 तो ये माइनस का 2 आता है। और उसके बाद सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे तो 0 माइनस 6 प्लस 2 दैट इज माइनस 4 और इट इज माइनस 18 प्लस 6 प्लस 6 तो इट इज माइनस 18 प्लस 12 इज माइनस 6 और अब डिवाइड करिएगा माइनस 2 से तो दिस गिव्स यू 1, 2, 3 एंड देयरफॉर द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चन x का वैल्यू कितना आ गया 1 y का वैल्यू कितना आ गया 2 तो ये अपना आंसर बन गया। कंपैरिजन मानना है बस और कुछ नहीं करना है। तो x का वैल्यू 1 y 2 और z का वैल्यू कितना आ गया 3 आंसर है 1, 2, 3। अब आपने जो निकाला मान लो जैसे ये ऑप्शन दिया होता कोई तो अपन ये ऑप्शन को इसमें डाल डाल के देख लेते भाई कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। यदि मैं x की जगह 1 डालूं y की जगह 2 डालूं z की जगह 3 डालूं तो ये देखो 2 माइनस 2 0 हो जाता और 9 बराबर 9 है। पहला इक्वेशन सेटिस्फाई है, दूसरा भी होगा और तीसरा भी होगा। तो x की जगह 1, 2, 3 यहाँ डालोगे तो 6 आता है तीनों का सम और यदि यहाँ पर 1, 3, 4 डालोगे 4 में 2 सबट्रैक्ट करोगे तो 2 आए तो ये आंसर अपना करेक्ट है। ये क्रॉस चेकिंग हो गया और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में केवल ऑप्शन उठा उठा के डालना। सब्जेक्टिव में जब आएगा जो मेथड से बोला जाए वो मेथड से करना होगा। तो डिटर्मिनेंट तो फिर भी थोड़ा सा ज्यादा करना होता था, मैट्रिक्स में तो केवल मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है और बी से मल्टीप्लाई करना है डायरेक्टली वी गेट दी वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड। तो एक छोटा सा करेक्शन यहाँ पर 9 कर लेंगे और इसको नोट कर लेंगे और कोई डाउट है तो अभी पूछ लेंगे। यह है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मेथड ऑफ मैट्रिक्स या मैट्रिक्स की मेथड। तो करेक्ट आंसर इज 1, 2, 3। चलिए वेरी गुड, कोई डाउट नहीं है। हम दो तीन बातें हैं आप ध्यान से समझ लें, लगभग एंडिंग की लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कुछ बच्चों ने मेरे से पूछी थी तो वो मैं अब आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 4, कोई मन में सवाल हो तो पूछ लो, मन में ना रखो। चलो कोई इतना पूछने के बाद भी नहीं पूछ रहा मतलब नहीं होगा। देखिए पेज नंबर 4 और अब अपन यहां पर एक क्वेश्चन आता है डिटरमिनेंट में समेशन वाला जो कुछ बच्चों ने मेरे से डाउट में पूछा था, ठीक है वो आप समझ लीजिए कि जैसे आपको एक मैट्रिक्स दिया है सॉरी डिटरमिनेंट दिया है इस तरीके से। क्वेश्चन है इफ डेल्टा आर इक्वल्स टू इट इज अ 3x3 डिटरमिनेंट जिसकी फर्स्ट कॉलम है 2r-1 m²-1 और sin²m², फिर है mcr 2⁻m और साइन स्क्वायर एम दिया है यहाँ एंड दी लास्ट कॉलम इज 1m+1 और साइन स्क्वायर एम प्लस। ये 3x3 का डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में कितना फर्क है ये आप जानते हो। और अब आपका जो क्वेश्चन इसमें पूछा था वो ये पूछा था आपको ये बताना m इज पॉजिटिव वेयर m इज m जहां भी लिखा है वो पॉजिटिव इंटीजर है तो वेयर m इज पॉजिटिव इंटीजर
So you have to find the value of then sigma delta r का value कितना होगा, जबकि r का value 1 से लेके r का value 0 से लेके m तक, r is from 0 to m, ये question mark है. और इस तरीके से क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करेंगे वो अब हम देख रहे हैं. हाउ टू अप्रोच दिस टाइप ऑफ सम. तो फर्स्ट थिंग तो ये है कि ये डिटरमिनेंट इट इज अ सिंगल नंबर. तो एक तरीका तो ये होता है कि आप इसको पूरा खोल लें, खोल के आपको जो क्वांटिटी मिलेगी उस क्वांटिटी पे सिग्मा अप्लाई कर लें. सिग्मा तो आप जानते ही हो अप्लाई करना. अब दूसरी बात ये कि वो बहुत लेंदी हो जाएगा कि आप पूरा खोल के जो एक्सप्रेशन आएगा उसके समीशन डालोगे, क्योंकि डेल्टा आर का वैल्यू निकाल के बस यहाँ पर डालना है. तो बजाय पूरा खोल के अपन समीशन डालें, उसके बजाय जो सबसे अच्छा तरीका है वो ये है कि जब आपको डेल्टा आर पे सिग्मा अप्लाई करना है तो आप यहीं पर डेल्टा आर पे सिग्मा अप्लाई कर दो. सिग्मा केवल वहां पर जाके अप्लाई होगा जहां पर आर होगा, क्योंकि यहाँ पर जो सिग्मा पे रिस्ट्रिक्शन है वो आर की वैल्यू जीरो से लेके एम तक. कहने का मतलब है कि सॉल्यूशन में जब आप फर्दर आगे बढ़ोगे और व्हेन यू हैव टू कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ सिग्मा समीशन डेल्टा आर, वेयर आर का वैल्यू फ्रॉम जीरो टू लेके एम, तो ये डिटर्मिनेंट के अंदर जब ये जाएगा सिग्मा, तो उसी कॉलम में या उस रो में जाएगा जहां पर आर बैठा है. आप देख रहे हो यहाँ पर आर कहीं नहीं है, आप देख रहे हो यहाँ पर आर कहीं नहीं है, आर कहीं नहीं है, आर कहीं नहीं है, आर कहीं नहीं है, आर कहीं है MCR. कहाँ पर, कहाँ पर नहीं सर. और अब एक चीज और, ये तो कहने का मतलब है, अब जो देखिए आप यहाँ पर ये पूरी रो में सेकंड रो आप देखें कहीं पे भी आर नहीं है, थर्ड रो में कहीं भी आर नहीं. आर वाले जो टर्म्स हैं या तो किसी पर्टिकुलर रो में होंगे या कॉलम में होंगे. तो आप देखें कि ये पहली रो में बैठा हुआ है पूरा आर. तो जब आप सिग्मा अप्लाई करोगे तो ये जो सिग्मा है ये फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट्स पे लग जाएगा. मतलब ये सिग्मा जो है वो किसी एक रो में जाएगा या किसी एक कॉलम में. तो अब आपको ये पहचानना है कि मैं पहली रो में डालूं, दूसरी रो में डालूं, तीसरी रो में डालूं, पहले कॉलम में डालूं, दूसरे कॉलम में डालूं, तीसरे कॉलम में डालूं. तो आप डालोगे किस रो में, फर्स्ट रो में, क्योंकि फर्स्ट रो में आर वाले टर्म बैठे हैं. तो फर्स्ट रो में डाल दिया इसको, तो डाल देते हैं. यहाँ पर अप्लाई कर दिया सिग्मा अपना पहले टर्म पे. पहला टर्म क्या था, पहला टर्म था हमारा 2r-1 और आर का वैल्यू क्या है, आर का वैल्यू है 0 से लेके एम तक. दूसरे रो में दूसरे एलिमेंट पे डाल दीजिए, यहाँ भी सिग्मा आ गया. क्या है ये, एम सी आर है और आर का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके एम तक. थर्ड एलिमेंट पे भी चला जाएगा, आर का वैल्यू 0 से लेके एम तक है और कितना है वो 1 है. ये क्लोज हो गया. अब सेकंड रो आपको एस सच कॉपी करनी है, सेकंड रो को हाथ नहीं लगाना है 2m और m+1. सेकंड रो को बिल्कुल हाथ नहीं लगाएंगे, थर्ड रो को भी हाथ नहीं लगाएंगे, थर्ड रो भी एस सच रखेंगे, कोई हाथ नहीं लगाया थर्ड रो में भी. ठीक है. सो पहली बात जो पहला स्टेप है कि ऐसे क्वेश्चन में पूरा ओपन करने के बजाय, ओपन करके सिग्मा अप्लाई करने के बजाय अपन डिटरमिनेंट के टर्म्स में क्वेश्चन दिया, आंसर भी डिटरमिनेंट के टर्म्स में करते हैं. मतलब हम अपनी कैलकुलेशन भी इन टर्म्स ऑफ डिटरमिनेंट करेंगे और अब फाइनल और लास्ट स्टेप, उसके बाद वी गेट अवर आंसर. आप ये जानते हो कि जब आप इसको ओपन करेंगे तो इसकी जो वैल्यू है आर की, इसकी जो पूरा कैलकुलेशन करोगे 2r-1 का, r का वैल्यू 0 से लेके जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो इसका वैल्यू m²-1 आता है. इसका वैल्यू m²-1, इसका वैल्यू जो है वो 2^m आएगा. और 1+1+1 m+1 टाइम्स करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, m+1. ये फर्स्ट रो की वैल्यू आएंगी. अब सेकंड रो क्या है, सेकंड रो एस सच कॉपी करना है और थर्ड रो क्या है, थर्ड रो एस सच रखना है. तो थर्ड रो है हमारा और अब आप देख पा रहे हो कि फर्स्ट रो और सेकंड रो एकदम आइडेंटिकल हो गया. जो फर्स्ट रो है और जो सेकंड रो है वो आइडेंटिकल हो गया, इसलिए वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट कितना आ गया,
जीरो, यह है अप्रोच। तो इसमें जो आपने सीखा, यदि हमने इसका समेशन निकालना है तो सिग्मा कहाँ जाए, पहली रो में जाए, किसी एक बात को याद रखना है, किसी एक रो में जाएगा या किसी एक कॉलम में। अब मैं पहली रो में भेजूं, अब मैं दूसरी रो में भेजूं, अब मैं तीसरी रो में भेजूं, कि पहले कॉलम में कि दूसरे कॉलम में, तो तीसरे कॉलम में, तो जहां पर जिस रो में या जिस कॉलम में आर बैठा होगा वहां पर सिग्मा अप्लाई होगा। तो चूंकि ये फर्स्ट रो में बैठा था आर, तो हमने फर्स्ट रो में सिग्मा अप्लाई कर दिया। इनकी वैल्यू निकाली है, हाँ बोलो, इनकी वैल्यूज निकाली है, तो ये सेकंड रो जैसी आ गई, सेम वैल्यूज आ गई, आइडेंटिकल हो गया, इसलिए वैल्यू जीरो हो गया, खत्म हो गया क्वेश्चन। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है आप पूछ लीजिए। सर वो 2r-1m²-1 वाला समीकरण, इसको वैल्यू आप डालो, ओपन करो तो आ जाता है, तो बहुत बड़ी बात नहीं है सर, करके बताइए। नहीं, आर की वैल्यू जीरो डालोगे तो कितना बनेगा, आर का वैल्यू जीरो डालोगे तो कितना बनेगा, माइनस। आर का वैल्यू 1 डालोगे तो कितना बनेगा, आर का वैल्यू 2 डालोगे तो कितना बनेगा, आर का वैल्यू 3 डालोगे तो कितना बनेगा, आर का वैल्यू m डालोगे तो कितना बनेगा। तो यहां से लेके यहां तक ये पहले m नेचुरल नंबर, और आपने पढ़ा है पहले ऑड नेचुरल नंबर का सम कितना होता है, m स्क्वायर, डायरेक्ट फॉर्मूला है, और ये माइनस 1 है, तो आंसर हो गया m स्क्वायर माइनस। ओके सर। सर इसमें मतलब जिसपे सिग्मा नहीं है, जैसे जिसमें आर वाला टर्म्स नहीं है, वो एम टाइम्स एम प्लस वन टाइम्स मल्टीप्लाई नहीं हो गए, कौन सा वाला, जैसे आर कंटेनिंग टर्म्स नहीं है, जो सेकंड और थर्ड रो है जहाँ पे सिर्फ एम है, तो वो एम प्लस वन टाइम्स मल्टीप्लाई नहीं होगी। रिस्ट्रिक्शन आर पे दिया है, तो बाकी सब इसके लिए कॉन्स्टेंट की तरह काम करेंगे। 2m, आप ये समझ लीजिए एम का, आप जैसे एम आपको बोला ना कोई पॉजिटिव इंटीजर, जैसे मैं m का वैल्यू 2 ले लूं, तो ये 2 power 2 4 हो जाएगा। तो ये जब आप इस पर सिग्मा अप्लाई करोगे तो सिग्मा इसके लिए कांस्टेंट की तरह काम करेगा, ठीक है, मतलब ये उसके लिए कांस्टेंट होगा। तो आप उसको m टाइम्स यदि इस पर भी करते हो, तो इस पर भी करने का फायदा ये है कि बस ये एलिमेंट्स इसके केवल m प्लस 1 टाइम्स होंगे, क्योंकि आप जैसे मैं यहाँ पर 1 के लिए, 1 भी कांस्टेंट था, जब मैंने 1 पे सिग्मा अप्लाई किया तो ये 1 + 1 + 1 + 1 m प्लस 1 टाइम बनेगा, इसलिए मैंने उसकी जगह पर क्या लिख दिया, डायरेक्ट इसकी वैल्यू m प्लस 1 लिख दी, ठीक है। सो जनरली जहां पर r एप्लीकेबल, जहां पर r होगा आपको केवल उसी पर इसको अप्लाई करना है, r कंटेनिंग टर्म वाले, बाकी जगह भी करेंगे तो उसका होगा ये कि वो कांस्टेंट बस बस निकल के बाहर आ जाएगा। जैसे मैं इसको सेकेंड रो में अप्लाई करूंगा, तो सेकेंड रो में जब आप उसको अप्लाई करोगे तो सारे m प्लस 1 टाइम्स हो जाएंगे, तो बाहर केवल आपको सेकेंड रो से m प्लस 1 बस बाहर आके निकल के बैठ जाएगा, और कुछ नहीं। लेकिन सर अगर यहाँ पे अपन ने सिग्मा अप्लाई नहीं किया m वाले टर्म्स पे, लेकिन आंसर 0 आ रहा है, इसलिए उतना मैटर नहीं किया, लेकिन अगर आंसर 0 नहीं आता तो तब तो वही मैं बोल रहा हूँ कि जब यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन देंगे तो किसी एक पर्टिकुलर रो में या किसी एक पर्टिकुलर कॉलम में ही r वाले टर्म देते हैं, यदि 2 रो में या एक से ज्यादा रो में या एक से ज्यादा कॉलम में आर वाले टर्म देंगे, तब आपको जो करना है पूरा ओपन करके फिर आर उसको सिग्मा अप्लाई करना है, फिर वो तरीका है वहां पर। जैसे मान लो मैंने पहली रो में भी आर वाले टर्म डाली और दूसरी रो में भी आर वाले टर्म डाली, एक से ज्यादा रो में या एक से ज्यादा कॉलम में आर वाला टर्म होगा, तब सिग्मा डालने से पहले आप उसको पहले पूरा ओपन करेंगे, जैसे 3x3 का डिटर्मिनेंट ओपन करते हो, देन यू अप्लाई दी सिग्मा समेशन, ठीक है। ओके सर, और कोई कैलकुलेशन में किसी बच्चे को कैसे आया क्या है वो पूछ सकते हो अभी भी, ठीक है। अच्छा एक चीज और है कि यदि यहाँ पर समेशन के बजाय, क्योंकि आप जानते हो इंटीग्रेशन इज डायरेक्टली समेशन ही होता है, तो जब आपको यदि यहाँ पर समेशन की जगह इंटीग्रेशन का साइन आएगा तो भी सेम अप्रोच किया जाएगा, मतलब मैं यदि यहाँ पर समेशन की जगह इंटीग्रेशन का साइन डाल दूंगा तो आप ये देखोगे कि इंटीग्रेशन का वेरिएबल क्या है, जो वेरिएबल आपको इंटीग्रेशन, जैसे मान लो आर ही वेरिएबल है इंटीग्रेशन का, तो हम ये सर्च करेंगे किस रो में आर बैठा है या किस कॉलम में आर बैठा है, जिस रो में या जिस कॉलम में आर होगा उसी रो या उसी कॉलम में इंटीग्रेशन का साइन अप्लाई होगा, बाकी सब एज सच रहेंगे, ठीक है। सो इंटीग्रेशन में भी सेम करना है, ठीक है, मैं आपको उसका यूटिलाइजेशन बता रहा हूँ अगले पेज पर। हाँ बोलो
आर इक्वल्स टू जीरो है, उसकी जगह एम इक्वल्स टू जीरो होता तो एम जीरो होता तो बेटा ये सारी जब जगहों पर एम का वैल्यू जीरो 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 डाल देते तो ये भी जीरो बन जाता, ये भी जीरो बन जाता, ये साइन स्क्वायर वन बन जाता, ये वन बन जाता, ये वन बन जाता, यहाँ पर माइनस वन बन जाता। तो एम जीरो नहीं देंगे क्योंकि एम ऑलरेडी उन्होंने वहां पर दे रखा है, ठीक है। तो इसलिए हमने आर का वैल्यू जीरो से एम तक लिया है मैक्सिमम, ताकि एम तक लेने का रीजन ये है कि ये जो टर्म्स है ये इन टर्म्स ऑफ एम बने। मान लो हम आर का वैल्यू जीरो से लेके एन तक लेते तो फिर ये एन के टर्म्स में बनता। यदि आप एन तक लेते तो फिर इसका जो वैल्यू आपने निकाला है या एम की जगह एन होता तो ये एन स्क्वायर माइनस वन बनता, ये टू पावर एन बनता और ये एन प्लस वन बनता, और ये आइडेंटिकल नहीं होते उस केस में फिर जीरो नहीं आता। इसलिए हमने एम तक लिया, एम तक लेने से मतलब है ये दो रो आइडेंटिकल हो गई इसलिए वैल्यू जीरो है। आप अदर देन एम कोई नंबर लोगे, आप टू ले लो, थ्री ले लो, फोर ले लो, टेन ले लो, हंड्रेड ले लो, एन ले लो, पी ले लो, क्यू ले लो, एस ले लो, अदर देन एम कुछ भी ले लो, तब ये जीरो नहीं आएगा। उस केस में वो फिर एम के टर्म्स में भी आएगा और उस वेरिएबल के टर्म्स में भी आएगा, ठीक है। चलिए सर, सर 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 अगर जैसे अगर अपन मतलब सभी पे अगर सिग्मा अप्लाई करते हैं, यानी कि अगर सिग्मा छोड़ के अगर एक एक करके ओपन करते हैं सबको, तो अपने एम वाले जो एम वाले टर्म्स है बिना आर वाले वो एम प्लस टाइम्स हो जाएंगे और बाकी आर वाले पे सिग्मा लगेगा। तो सर जब एम प्लस वन कॉमन तो नहीं निकलेगा ना पूरे टर्म से तब? नहीं नहीं देखो इसमें होता यह है कि जब आप पहली रो के रिस्पेक्ट में इसको सॉल्व कर रहे होते तो ये एलिमेंट के साथ ये चार एलिमेंट आते हैं तो सिग्मा इन चारों का प्रोडक्ट हो जाता है इनडायरेक्टली। जब सिग्मा अप्लाई होगा तो कितना और इन चार एलिमेंट्स में किसी आर वाले पे ही अप्लाई होगा तो मैं इसके साथ इन चार का प्रोडक्ट लूंगा, फिर जब ये वाला एलिमेंट लूंगा तो ये रो ये कॉलम छोड़ देते हैं, ये चार का प्रोडक्ट आता है। और जब ये वन के साथ लेंगे तो ये रो ये कॉलम छूट जाएगा, ये चार का प्रोडक्ट आएगा। लेकिन अब आप मान लो दो दो रो में आर वाले टर्म्स लेते हो तो ऑटोमेटिकली, अब जैसे मान लो ये रो में भी आर है, तब होगा ये जब मैं पहले लाइन के रिस्पेक्ट में, पहली रो के रिस्पेक्ट में इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये तो आर है ही, अब ये वाला भी आर है और ये वाला भी आर वाला टर्म है तो ये आर से ये भी आर कंटेनिंग टर्म होगा। जब मल्टीप्लाई करोगे ये भी आर कंटेनिंग टर्म होगा और उस केस में ये जो सिग्मा है ये दो बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिग्मा इस पे भी एप्लीकेबल है और सिग्मा इन दोनों के प्रोडक्ट पे भी एप्लीकेबल है। और इसलिए सजेस्ट करते हैं कि जब आपको एक साथ दो रो में या दो कॉलम में सिग्मा लगा, सॉरी वो आर वाले टर्म्स आएंगे, तब अपन इस पे सिग्मा डायरेक्टली अप्लाई नहीं करेंगे, तब क्योंकि वहां पे प्रोडक्ट बनने लगेंगे उनके, तो अपन पहले उसको पूरा खोलेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और फिर उस पे सिग्मा अप्लाई करेंगे, डायरेक्ट मत करना उस पे। ओके, दो दो का, हाँ दो दो का प्रोडक्ट बन जा रहा है वहां पर, ठीक है। इसलिए एक बार में एक ही रो को करने, जनरली ऐसे क्वेश्चन आप देखोगे कहीं भी देखो जो कॉम्पिटेटिव में आए होंगे क्वेश्चन, यदि ज्यादा लेंदी नहीं बना क्योंकि फिर उस केस में तो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो इसलिए किसी पर्टिकुलर रो में या कॉलम में ही वो आर वाले टर्म डाल के देते हैं ताकि आप उस पे सिग्मा अप्लाई करें एंड यू गेट दी आंसर। मैं एक दो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, एक चीज और समझिए इसमें। मतलब डिटर्मिनेंट को खोल के सॉल्व करना थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज लेंदी हो सकता है और इसलिए हम कोशिश करते हैं कि भाई डिटर्मिनेंट के अंदर ही रखे रखे सॉल्व हो जाए और हमको क्वेश्चन का आंसर मिल जाए। जैसे कि एक और, मैं अभी तक आपने ऐसे टाइप डिस्कस नहीं करे हैं, ठीक है, ये देखिए समझिए मेरी बात को। अभी क्वेश्चन ये है कि मान लो ये आया, फर्स्ट कॉलम आपको दिया है यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए तीनों रो में मैं सब जगह पर एक्स का वेरिएबल डाल रहा हूं, टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस वन और एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस वन, थ्री एक्स, 2x माइनस वन और x माइनस टू,
3x minus 3, not 2x minus. यह आपको दिया है ax plus b के बराबर. क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा. पहला ऑप्शन दिया है क्या a plus b का वैल्यू 12 आता है. दूसरा ऑप्शन है क्या a minus b 36 आएगा. तीसरा ऑप्शन है क्या ए स्क्वायर बी स्क्वायर का वैल्यू 76 आएगा, सॉरी 720 आएगा. एंड द लास्ट ऑप्शन क्या ए प्लस टू बी ये जीरो. विच वन इज करेक्ट. तो ये क्वेश्चन है. अब देखिए यहां पर तीनों रो में एक्स का वेरिएबल है. मतलब आप इसको पूरा खोल के सॉल्व करोगे कैलकुलेशन वाइज ये बहुत लेंदी होने जा रहा है. क्योंकि आप पहली रो के रिस्पेक्ट में सॉल्व करोगे तो ये एलिमेंट लोगे, ये रो ये कॉलम छोड़ोगे, फिर इसका प्रोडक्ट माइनस इसका प्रोडक्ट. ठीक है, तो ऑलरेडी ये क्वाड्रेटिक बन रहा है और वो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर बाई क्वाड्रेटिक 4 डिग्री का बना रहा है ऑलरेडी. तो काफी और फिर उनको अरेंज करना है. फिर अरेंज करने के बाद इससे कंपेरिजन करना है. कंपैरिजन करने के बाद आपको ए और बी मिलेगा. तो जनरली कोशिश ये करनी है कि भाई डिटरमिनेंट का क्वेश्चन डिटरमिनेंट में ही रख के सॉल्व करें. और ऐसे क्वेश्चन में आप एक काम बड़ी आसानी से कर सकते हो और वो ये है. देखिए मेरे को सिंपली केवल दो वेरिएबल चाहिए ए और बी, कैपिटल ए और कैपिटल बी का वैल्यू चाहिए. वो मिल गया तो ऑप्शन चेक हो जाएगा. और ए और बी निकालने के लिए मेरे को ए और बी में दो इक्वेशन चाहिए. और इसलिए हम क्या करें, सबसे इजी जो तरीका है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का, मैं इस पूरे इक्वेशन में x की जगह उठा के सीधा जीरो डाल दे. वी पुट x बराबर जीरो. जैसे ही आप x को जीरो डालोगे तो आपको ये सीधा b मिल जाए. डायरेक्ट v गेट दी वैल्यू ऑफ b. हमको सीधा b का वैल्यू मिल जाए. x को उठा के मैंने जीरो डाल दिया. जब आप x को जीरो डालोगे यहाँ पर तो देखिए क्या बनेगी, ये यहाँ पर जीरो हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, ये माइनस टू हो जाएगा. एक्स को जीरो डालेंगे तो ये माइनस वन, ये जीरो, ये माइनस थ्री. एक्स को जीरो डालेंगे तो ये थ्री, ये माइनस वन और ये माइनस वन. ये बी का वैल्यू मिलेगा आपको. इसको सॉल्व कर दीजिए तो जीरो के लिए तो जीरो हो जाएगा, वन के लिए सॉल्व करोगे तो माइनस नाइन, माइनस वन, माइनस टेन आएगा. वन के लिए माइनस नाइन, माइनस वन. और माइनस टू के लिए सॉल्व करोगे तो वन आएगा, मतलब माइनस टू आएगा. तो बी माइनस ट्वेल्व आ रहा, सॉल्व कर लेना. तो यहां से बी का वैल्यू आ जाता है माइनस ट्वेल्व. बी आ गया हमारे पास. अब हमने एक्स को जीरो डाल दिया. अब अदर देन जीरो कोई नंबर डाल दो, वन डाल दो, टू डाल दो, सिक्स डाल दो, सेवन डाल दो, जो मर्जी आए वो डाल दो. मैं अब एक्स की जगह पर वन डाल देता हूँ बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन. सो नाउ वी पुट एक्स इक्वल्स टू वन ऑन बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन. जब आप x की जगह 1 डालेंगे तो ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा. जब x की जगह 1 डालेंगे तो ये 2 हो जाएगा. जब x की जगह 1 डालेंगे तो माइनस 1 आएगा. x की जगह 1 डालोगे 2 3 5 माइनस 1 4 हो जाएगा. 1 डालेंगे तो 3 आएगा, 1 डालेंगे तो 0 आएगा, 1 डालेंगे तो 3 2 5 1 6 आएगा, 1 डालेंगे तो 2 माइनस 1 1 आएगा, 1 डालेंगे तो 2 माइनस 1 1 आएगा. और राइट हैंड साइड में x की जगह 1 डाला है तो ये प्लस बी मिलेगा. इसको सॉल्व करेंगे तो ये आता है 3 0 6. 2 के लिए सॉल्व करेंगे तो माइनस 4 माइनस 8. और माइनस 1 के लिए सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 12 मतलब माइनस 8 प्लस का 8 आएगा. तो ये a प्लस बी का वैल्यू आएगा. और b आपने निकाला है माइनस 12. सो ये कैंसिल हो गया. तो a का वैल्यू 12 6 18 आता. तो हमारे पास a है, b है. अब a और b को ऐड कर दीजिए तो कौन से ऑप्शन करेक्ट है, एक बार देख लेना भाई कैलकुलेशन. 12 और 6 18 ये तो सही है सर. 18 आएगा कि 24 क्या ए के लिए सॉल्व करेंगे तो सर मेरा ए 24 आ रहा था. एक मिनट, 3 दूनी 6, 2 के लिए सॉल्व करा तो माइनस 4 माइनस 8. माइनस 1 के लिए सॉल्व करेंगे तो अच्छा ये 18 होता है, सॉरी गलती हो गई. 4 माइनस 18 माइनस 14 प्लस 14 आता है.
ये प्लस का 14 है, प्लस का 14 है तो आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, माइनस 2 प्लस 12 आता है। अरे कितना था, ए प्लस बी, मतलब ए माइनस 12 है और ये भी माइनस 2 प्लस 12 12 24 आ रहा है, ए का वैल्यू 24। सर ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, तो ए 24 है और बी माइनस 12 है, आप चेक कर लीजिए, ए प्लस बी करोगे तो करेक्ट है, ए माइनस बी करोगे तो करेक्ट है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर करके देख लेना तो करेक्ट होगा, करेक्ट, चारों करेक्ट। तो कुल मिला के ये है कि ऐसे क्वेश्चन में खोलना नहीं है, ठीक है, आप ऐसी कोई भी वैल्यू डाल के ए और बी के वैल्यू निकाल सकते हैं, मैंने 0 1 डाला है, आप कोई और भी नंबर डाल सकते हैं, ठीक है, तो उससे भी सॉल्व कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को, कोशिश करनी है डिटरमिनेंट को डिटरमिनेंट में ही रख के सॉल्व करें, क्योंकि डिटरमिनेंट को आप पूरा खोल के सॉल्व करोगे तो काफी लेंथी एक्सप्रेशन बनेगा, फिर कंपेरिजन हो जाता है, आप ओपन करके सॉल्व करोगे तब भी आंसर देगा, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज लेंथी होगा, ठीक है, सो इसको नोट कर लीजिए, कुछ कोई डाउट होगा आपके इसमें तो पूछ लीजिए। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आप उसका आंसर करें फिर अपन इसमें आगे चलेंगे, पेज नंबर 6 देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपको एक फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3/3 का डिटरमिनेंट है, फर्स्ट कॉलम में पहले लिख देता हूं 1, फिर 2x है, फिर 3x इंटू एक्स माइनस 1 है, फिर सेकंड कॉलम में x x इंटू एक्स माइनस 1, फिर x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू x माइनस 2 और लास्ट कॉलम है x प्लस 1 x इंटू x प्लस 1 और फिर x x प्लस 1 x माइनस 1, 3/3 का डिटरमिनेंट है, आपको बताना है कि f ऑफ 100 का वैल्यू कितना है, find the value of f of 100, sir ye hame solve karna hai kya, yes
हो इतना सन्नाटा क्यों है भाई? एक आंसर आया, मंथी करेक्ट है, वेरी गुड। अंशु बगने करेक्ट है। अब बोधे करेक्ट है। संकेत और उमरेश सर दोनों करेक्ट हैं, वेरी गुड। संकेत उमरेश सर करेक्ट हैं। चलिए, तो बहुत तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, तरीके समझ लीजिए। एक तरीका तो ये है, उठा के सीधा एक्स की जगह 100 डाल दो, नंबर 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 बनेंगे, उठा के सॉल्व कर दो तो 0 आंसर आ जाता है इस क्वेश्चन का। यस करोदे करेक्ट है, ठीक है। तो एक तो तरीका यह है कि सीधा उठा के एक्स की जगह 100 डालो तो सब डिजिट बन जाएंगे, फिर तो आप सॉल्व कर सकते हो उसको। ये भी कई बच्चों ने फॉलो किया होगा। दूसरा, कुछ 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 कॉमन निकलता है यहाँ से, तो कॉमन वॉमन भी ले सकते हो। जैसे आप देख रहे हो कि जो सेकेंड रो है वो सेकेंड रो में से एक्स कॉमन आ जाता है, जो थर्ड रो है थर्ड रो में से एक्स एक्स माइनस वन कॉमन आ जाता है, और जो लास्ट कॉलम है उसमें से एक्स प्लस वन बाहर आ जाता है। इतनी काम आप बाहर निकाल के अंदर बहुत जो है इजी कर सकते हो। तो एक तो सीधा है कि एक्स की जगह 100 डालो, सीधा सीधा पहला मेथड जो है, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ेगा। दूसरा यह है कि यदि हम यहाँ पर सेकेंड रो में से एक्स बाहर निकाल लें, थर्ड रो में से एक्स एक्स माइनस वन बाहर ले लें, और लास्ट कॉलम में से एक्स प्लस वन बाहर ले, इतना काम जब आपने बाहर निकाल लिया। तो देखिए, सेकेंड रो में से आपने एक्स बाहर, फर्स्ट रो में से तो कुछ नहीं किया है, बस वन एक्स, और यहां पर जब लास्ट कॉलम आएगा तो वन हो जाएगा। यहां से एक्स बाहर निकाला तो 2x-1 और x+1 बचा, x+1 भी यहां से बाहर हो गया, और अब लास्ट में से x x-1 बाहर लिया तो यहाँ 3, x x-1 बाहर लिया तो यहाँ x-2, और यहाँ x x-1 और x+1, तो ये 1 आ गया, 3 जगह पर 1 हो गया। अब आप इसको 2 जगहों पर 0 बना के थर्ड के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर सकते हो, या डायरेक्टली एक्स की जगह 100 डाल के सॉल्व कर सकते हो। या आपको एक तरीका और बताऊं कि आप यदि इन दोनों को ऐड करें तो इन दोनों का जो सम है ये बीच वाले का डबल आता है, 3+1 4, इसका डबल है, इन दोनों का सम इसका डबल है, इन दोनों का सम इसका डबल है। मतलब आप क्या करोगे कि यदि मैं इसमें से इन दोनों के सम को सबट्रैक्ट कर दूंगा, आधे को सबट्रैक्ट कर दूंगा, तो यहाँ पर 0 0 0 बन जाएगा एंड वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा। तो ऐसे भी अप्रोच कर सकते हैं, इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। तो एक तरीका ये हो गया, एक ये भी हो गया ऑब्जर्वेशन। और अब ऐसे भी आप समझ सकते हो कि आप यहाँ पर देखो कि यदि आप इन दोनों को ऐड करें तो पूरा ये कॉलम तैयार हो जाता है। मतलब कॉलम 1 में कॉलम 2 को ऐड करो तो कॉलम 3 के बराबर आता है। मतलब कहने का यह है कि यदि मैं कॉलम 3 की जगह पर कॉलम 3-कॉलम 1+कॉलम 2 करता हूँ तो हमारा फर्स्ट कॉलम एज सच रहेगा, फर्स्ट कॉलम एज सच रखना, सेकंड कॉलम भी एज सच रहेगा, चेंज केवल थर्ड कॉलम में होगा, और थर्ड कॉलम जो बनेगा वो 0 0 0 बन जाएगा, इसकी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 0।
तो ये जो लास्ट दो एग्जाम तरीके हैं इसमें मैंने कहीं भी ओपन नहीं किया है, सीधा प्रॉपर्टी से सॉल्व किया है। आप इस क्वेश्चन में x बराबर 100 डाल के सॉल्व करते तो भी हो जाता, ठीक है। सो यहाँ पर इन केवल मेन है ऑब्जर्वेशन का, इन दोनों का सम आप देख रहे हो, 1 प्लस एक्स करोगे तो x प्लस 1 आता है, इन दोनों को ऐड करो तो x कॉमन आ जाएगा और x माइनस 1 प्लस 2 x प्लस 1 हो जाएगा, और इन दोनों का सम निकालने के लिए x x माइनस 1 कॉमन लेना है, x माइनस 2 प्लस 3 आता है वो x प्लस 1 होता है। तो इन दोनों कॉलम का सम इस कॉलम के बराबर है, तो मैं यदि इस कॉलम की जगह पर ये कॉलम माइनस ये दोनों का सम करूं, मतलब ये ऑपरेशन लगाऊं, तो ये जगह पर 0 0 0 आ जाएगा, और यदि डिटर्मिनेंट का कोई पर्टिकुलर रो या कॉलम का सारा एलिमेंट 0 हो गया तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 0 आता है। तो ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, हमेशा आपको आंसर मिलेगा। लेकिन याद रखें कि हर बारी आंसर 0 नहीं होता है, बहुत सारे क्वेश्चन में लेकिन 0 हो सकता है। और कोई डाउट है आपकी, कोई क्वेरी है इसको लेके तो पूछ लीजिए। और एक और क्वेश्चन मैं अब आपको दे रहा हूँ, आप उसका आंसर करें। तो ये जो अभी आपने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन पढ़ के आए बाय मैट्रिक्स मेथड एंड बाय क्रैमर्स रूल, उनकी जो कंडीशन आपने पढ़ी थी वो कंडीशंस को कैसे यूटिलाइज करते हैं क्वेश्चन में वो देखिए। तो एक क्वेश्चन उस पर बेस हम ले लेते हैं। एंड दी क्वेश्चन है, आपको एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है जिसमें फर्स्ट इक्वेशन है 2x माइनस y प्लस 2z इक्वल्स टू 2, एक्स माइनस 2y, एक्स माइनस 2y प्लस जेड इक्वल्स टू माइनस 4, और लास्ट इक्वेशन दिया है एक्स प्लस वाई प्लस लैम्डा जेड इक्वल्स टू 4। तो यू हैव टू फाइंड द लैम्डा वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। तो फाइंड लैम्डा इफ अबव सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। अब आप इसके लिए बिल्कुल फ्री हैं, या आप क्रैमर्स रूल से इसको करना चाह रहे हैं या फिर आप इसको मैट्रिक्स की मेथड से सॉल्व करना चाह रहे हैं, क्योंकि मेथड मेंशन नहीं है, आपको केवल लैम्डा फाइंड करना है। और कंडीशन ये दी है कि इस सिस्टम के लिए कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, मतलब दिस सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। तो आप लैम्डा का वैल्यू क्या लेंगे? अंशु और भगने दोनों करेक्ट हैं। मानसी करेक्ट हैं। कुणाल करेक्ट।
ऋषभ करेक्ट है। संकेत उमरेडकर करेक्ट है। यस सरोदे करेक्ट है। तनुश्री तलमले चेक करें। रवि कुमावत करेक्ट है। चलिए देख लीजिए सॉल्यूशन। करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज लैम्डा का वैल्यू 1 आएगा। और आपने पढ़ा है नो सॉल्यूशन के लिए जो कंडीशन होती है कि डेल्टा इक्वल्स टू 0 एंड एटलीस्ट 1 ऑफ डेल्टा एक्स डेल्टा वाई या फिर डेल्टा जेड शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो डेल्टा अपन 0 लेके चलते हैं यहां पर। जब आप डेल्टा बनाएंगे तो 2 - 1 - 2, 1 - 2 - 1 और 1 - 1 लैम्डा इट शुड नॉट बी सॉरी इट इज इक्वल्स टू 0। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो -2 लैम्डा - 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर -1 के लिए सॉल्व करेंगे तो इट इज 1 - लैम्डा और जब 2 के लिए सॉल्व करेंगे तो 1 + 2 = 3, 2 + 6 आएगा equals to 0. When we solve this, so this gives you -3 lambda or +3 = 0. So this gives you lambda ka value 1. और अब lambda ka value 1 लेके आप कोई भी एक आध determinant निकाल दें वो आपको non zero और दिखाना पड़ेगा। तो आप करके देख लीजिएगा delta x delta y delta z में से कोई एक आध आपने non zero दिखा दिया तो no solution exist कर जाएगा। जैसे यदि यहाँ पर लैम्डा का वैल्यू तो अपन ने निकाल लिया। अब जैसे डेल्टा एक्स हम कैलकुलेट कर लेते हैं और डेल्टा एक्स जब बनाएंगे तो जो एक्स की कोएफिशिएंट है 2, 1, 1 उनकी जगह पर ये आ जाएंगे 2 - 4 + 4, 2 - 4 और + 4। बाकी सेकंड कॉलम आपका एस एच है और थर्ड कॉलम में 2, 1 लैम्डा की वैल्यू अपन ने 1 ले लेनी है जो अपन ने निकाली। इसको कैलकुलेट करना है और ये देखना है कि नॉन जीरो आता कि नहीं। तो जब आप 2 के लिए सॉल्व करेंगे तो -2 - 1 - -3 - 6 आएगा, फिर ये 4 + 4 = 0 हो जाएगा और फिर 2 के लिए सॉल्व करेंगे तो -4 + 8 = 4 और +4 = 8 आएगा विच इज 2 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो डेल्टा एक्स नॉट इक्वल टू 0 आ गया, इसलिए डिटर्मिनेंट हैज नो सॉल्यूशन, मतलब दिस सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन क्योंकि एटलीस्ट 1 ऑफ देम इज नॉट इक्वल टू 0 ऐसा होना चाहिए। और आप चाहो तो ये नहीं रखना चाहते लैम्डा का वैल्यू यहाँ पर, तो सीधा ये जो थर्ड कॉलम है इसी को मतलब डेल्टा जेड कैलकुलेट कर लेना, डेल्टा जेड भी आप देखोगे नॉन जीरो आ जाता है। तो दिस इज द सॉल्यूशन और ये यूटिलाइजेशन है उन कंडीशंस का। तो कंडीशंस आपने इम्पोर्टेंटली याद रखनी है कि नो सॉल्यूशन के लिए क्या लगाना है, इनफाइनाइटली और यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या क्या कंडीशन लगाना है। नॉट टेक दी स्क्रीनशॉट, कुछ 2-4-5 क्वेश्चन और मैं कल की क्लास में इसको लेके फिर अपन कल खत्म कर देंगे इसको मैट्राइसेस एंड डिटरमिनेंट को। एक आध इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन का भी कंसेप्ट आपको बता देता, जब वो डिफरेंशिएशन में आएगा और इंटीग्रेशन में आएगा तो एक बार और पढ़ लेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा एक आइडिया आपको दे देता हूँ। तो बाकी अपन कल की क्लास में खत्म कर देंगे। सर ये संडे पेपर कौन सा रहेगा? ये संडे यही आएगा मैट्राइसेस डिटरमिनेंट सब्जेक्टिव पेपर, ठीक है? हाँ सर। सर 10th तक जो अपन ने मतलब 2 वेरिएबल के लिए कंडीशंस पढ़ी थी, 3 वेरिएबल के लिए क्या होंगी? कौन सी वाली? जो a1 / a2 = b1 / b2 ≠ c1 / c2 वाली जैसे। देखिए 3 वेरिएबल में जब आएगा जब ये प्लेन बन जाएंगे, जैसे ये जो 3 वेरिएबल आपने लिखे ना तो ये इनडायरेक्टली 3 प्लेन के इक्वेशन लिखे हैं क्योंकि 2D में एक लाइन दिखती है आपको और जब 3D में इसी को देखोगे तो एक प्लेन दिखेगा।
तो आपको 3D में क्लास 12 में प्लेन पढ़नी है, तो जब प्लेन की कंडीशंस आपको आएंगी तो प्लेन में हम कोइंसिडेंट प्लेन भी होते हैं, मतलब एक के ऊपर एक तीन प्लेन आ जाएंगे, तो अपन उनको कोइंसिडेंट प्लेन बोलेंगे। तो ठीक है, तो कोइंसिडेंस की कंडीशंस यहाँ पर प्लेन के लिए ये जो A1 B1 C1 है इनको फिर अपन प्लेन का नॉर्मल का डायरेक्शन दे सकते। तो बहुत सारी बातें हैं वो जब मैं आपको बताऊंगा, तो प्लेन के लिए भी अपन पैरेलल की और कोइंसिडेंस की कंडीशन आपको वहां पर बताएंगे। तो थोड़ा सा वेट कर, 3-4 चैप्टर बाद आपका 3-डाइमेंशनल जो आपको बोला था ना कि 2 जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको 3D में भी पढ़नी है, तो जब अपन 3D में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो वहां पर अपन लाइन के इक्वेशन को 3D में पढ़ेंगे और प्लेन की इक्वेशन को भी 3D में पढ़ेंगे। तो ये जो जितने भी कंडीशंस हैं इनके पैरेलल और परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन वहां पर आएंगी। डायरेक्शन रेशियो से डिसाइड होता है, अब डायरेक्शन रेशियो क्या पहले वो एक्सप्लेन करूंगा तब आपको ये कंडीशन समझ में आएगी वहां पर। ठीक है ऋषभ? ओके सर। तो 3D में अपन पढ़ने वाले हैं। बस ये याद रखो कि बस ये जो 3 वेरिएबल की इक्वेशन है ये एक्चुअली 3D में इक्वेशन लिखे हैं, और 3D में किसको रिप्रेजेंट करेंगे, 3D में ये प्लेन को रिप्रेजेंट करेंगे। जब यहाँ से वेरिएबल ये हट जाता जैक तब ये लाइन के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते और ये 2D में लिखते होते हैं, 2D वेरिएबल होते हैं। तो 3D में प्लेन है, ये प्लेन के लिए कब पैरेलल होंगे परपेंडिकुलर होंगे वो सब कंडीशन प्लेन में आप पढ़ोगे, आ जाएगा आपके सामने बहुत जल्दी। अब चलिए, सो बाकी करेंगे कल की क्लास में, आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद।